उड़ीसा के बालासोर में बीते शुक्रवार को हुआ भीषण रेल हादसा अपने पीछे कभी ना भुलाई जा सकने वाली तबाही का भयानक मंजर छोड़ गया है। इस दर्दनाक हादसे में मृतकों की संख्या 288 तक पहुंच गई है, जबकि घायलों की संख्या भी बढ़कर 1100 से ज्यादा हो गई है। इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं अब इस हादसे पर सियासत भी तेज हो गई है और राजनीतिक बयानबाजी की भी शुरुआत हो चुकी है। इस हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष के नेता सैकड़ों यात्रियों की मौत के लिए अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदार मानते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व रेल मंत्री और राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और बालासोर में दुखद ट्रेन दुर्घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जाँच और कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ी लापरवाही थी, इन्होंने रेलवे को नष्ट कर दिया है। जिस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है, जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग है इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। वही कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी इस ट्रेन हादसे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा, तीन ट्रेनें टकरा गईं, कहाँ है मोदी सरकार का सुरक्षा कवच? बड़ी बड़ी बात कहे जाते हैं कि हम एंटी कोलिशन डिवाइस लगाते हैं, कवच लगाते हैं, कवच में सब कुछ को रोक देगा, तो कहाँ कवच है भाई? एक के बाद एक तीन ट्रेन एक साथ हादसे में जुट गए, तो कवच कहाँ है? इसके अलावा आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस घटना पर गंभीर संवेदना जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने सवालिया लहजे में केंद्र से पूछा है कि क्या मोदी जी की सरकार केवल वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर वाहवाही लूटती रहेगी? उन्होंने कहा कि भारतीय रेल में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा की चिंता कौन करेगा? भारत की सरकार से ले रही थी कि हम एक कवच का सिस्टम ऐसा लाएंगे जिसमें कि एंटी कोलिजन डिवाइस, एंटी कोलिजन सिस्टम होगा। ट्रेन अगर एक ट्रैक पे चल रही होगी और उनके टकराने की कोई संभावना होगी तो ये पहले पता चल जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा होता तो आज एक पूरे देश के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त रहते कि भाई कोई ऐसी रेल दुर्घटना नहीं हो सकी। या तो तीन ट्रेनें टकराई। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी अश्विनी वैष्णव पर निशाना साधते हुए पूर्व रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण दिया। दिग्विजय सिंह ने ओडिशा रेल हादसे के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग की है। एक रेल हादसे में लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। हमें मोदी जी के मंत्रिमंडल के किसी मंत्री से कोई उम्मीद इसमें नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भी शर्म माननीय मंत्री जी में अगर होगी तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर इस हादसे में केंद्र पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा, झूठी सरकार की झूठी तकनीकी ने कितने लोगों की जान ले ली है, इसके लिए मंत्री से लेकर कंपनी तक सब जिम्मेदार है। इस महाघोटाले और महाभ्रष्टाचार की एक आपराधिक मामले की तरह जांच करके दंडात्मक कार्रवाई हो, ये कवच नहीं भाजपा एक कपट है। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट कर सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने लिखा, केंद्र सरकार इस भीषण दुर्घटना को पूरी गंभीरता से लेते हुए इसकी तत्काल उच्च स्तरीय समयबद्ध जांच कराने के साथ ही सभी मृतक के परिवारों को शीघ्र समुचित आर्थिक सहायता देने तथा घायलों के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था करके उनकी जिंदगी बहाल करने में पूरी मदद करे, बीएसपी की ये मांग। वहीं विपक्षी दलों द्वारा रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ओडिशा के बालासोर जिले में तीन ट्रेनों के दुखद हादसे के बाद सभी प्रयासों को बहाली के काम की दिशा में निर्देशित किया गया है। ये वक्त राजनीति का नहीं बल्कि बहाली के काम पर ध्यान देने का समय है। वी वांट फुल ट्रांसपेरेंसी, दिस इज नॉट द टाइम टू डू पॉलिटिक्स, दिस इज द टाइम टू फोकस आवर एंटायर एनर्जी, व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन। माय पॉइंट इज this is the time to fully focus on making sure that the complete restoration happens in the earliest possible।
गौरतलब है कि शनिवार को पीएम मोदी भी उड़ीसा के बालासोर में भीषण रेल हादसा होने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया था। वहीं अभी की बात करें तो उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे में अब चारों तरफ लगभग आधे किलोमीटर की दूरी तक बस मलबे का ढेर लगा हुआ है। आलम यह है कि अभी भी इस ट्रैक से ट्रेनों का आना जाना शुरू नहीं हो पाया है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद पटरियां दुरुस्त करने का काम जोरों पर चल रहा है। वहीं रेल मंत्रालय के मुताबिक 1000 से ज्यादा कर्मी काम में लगे हैं। शीघ्र बहाली के लिए 7 से ज्यादा पोकलेन मशीन, 2 दुर्घटना राहत ट्रेन, 3-4 रेलवे और रोड ट्रेन तैनात हैं। बहरहाल एक तरफ इस दर्दनाक हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज जारी है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष रेल मंत्री और सरकार को लगातार घेरने में लगा है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस मामले में राजनीति और क्या नया मोड़ लेती है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। ओडिशा रेल हादसे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी बड़ी अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।